उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर बीते 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव खेला और धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। बुधवार को विधायक प्रीतम सिंह पवार ने नई दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि प्रीतम उत्तराखंड क्रांति दल से भी मंत्री रह चुके हैं, उन पर कांग्रेस की भी नजर थी। गाजियाबाद में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मिनी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 11 साल की बच्ची और 1 साल का मासूम भी शामिल है। एक महिला और 1 4 साल का बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पटना के सुपर 30 की तर्ज पर काशी के युवाओं ने दीप 30 के नाम से एक अभियान चलाया। सुपर 30 जहां गरीब प्रतिभावान बच्चों के इंजीनियरिंग करने के सपने को साकार कर रहा है, तो इन युवाओं ने दीप 30 बनाकर उन गरीब और प्रतिभावान छात्रों की मदद करने का संकल्प लिया है, जो भविष्य में IAS, PCS और दूसरे क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। राजस्थान बीजेपी में खेमेबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र के 2 दिन पहले ही बीजेपी में एक और चिट्ठी बम फटा है, जिसमें वसुंधरा राजे के करीबी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बीच तकरार फिर से सामने आ गई है। मेघवाल ने एक बार फिर कटारिया के खिलाफ लेटर बम फोड़ा है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। UPSC की तर्ज पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत सितंबर 2022 तक 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं होगी। कई भर्तियों के लिए तो आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है, तो कुछ के लिए शुरू होने वाली है। इन सभी भर्तियों में 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। राजधानी के प्रतिष्ठित भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ और 12 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव रद्द कर दिया गया। वही हंगामे के दौरान सदस्य बीजेपी कांग्रेस में बंट गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। हरियाणा के करनाल में बुधवार के दिन की शुरुआत भी नारेबाजी के साथ की। धरनास्थल पर किसानों ने टेंट लगा दिए। ये उनका अनिश्चितकालीन धरना है। लघु सचिवालय के गेट पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान तैनात हैं। इन्हें किसानों को किसी भी कीमत पर अंदर न आने देने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सत्यानंद सिंह का निधन हो गया है। पटना में खगोल के पास एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लीवर सिरोसिस की बीमारी से परेशान थे। वहीं सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्यानंद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है। वे भाजपा के साथ नेताओं की टीम का हिस्सा होगी, जिसे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लीड करेंगे। पंजाब में सरकारी बसों का चक्का जाम अभी जारी रहेगा। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल एडवाइजर सुरेश कुमार और हड़ताली कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों के बीच बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने कर्मचारियों के आगे शर्त रखी कि वह चक्का जाम खत्म कर दे। इसके बाद उनकी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करवा देंगे। हड़ताली कर्मचारियों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया।